शांति। आज हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं जिस पे कभी आपने शायद कुछ सोचा भी होगा। वो क्या है? देखिए, एक समय की बात है, एक काफ़ी गरीब व्यक्ति था। थोड़ा बहुत कमाता था पर पैसे बहुत नहीं थे। दो वक्त की रोटी का गुजारा हो पाता था और मज़े से खाता था, परिवार में शांति से रहता था। प्रतिदिन जंगल जाता था। उसकी ड्यूटी थी जैसे कि वो लकड़ियाँ काटता था। जितने भी सूखे पेड़ होते थे वो काट करके लेकर आता था और उसे ही बेचता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। जंगल जाते जाते उसकी एक आदत सी बन गई थी, जहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान थी और उस चट्टान का सेफ शेर की तरह था और उसका जैसे मुख भी बना हुआ था। जब वो लकड़ी काटने जाता था तो अपने साथ खाने के लिए वो खाना भी लेकर जाता था। उस भोजन पे वो सब्जियां हैं, रोटियां हैं, चटनी है, यही खाया करता था, ये ले जाता था और शेर के पास ज़रूर बैठ करके वही खाता था। पर वो सोचता था कि शेर जैसे दिखता है, इसको भी खिला देता हूँ। वो हर दिन उसके मुख पर रखता था और जैसे खिलाने की एक स्टाइल होती है, ऐसे वो खिलाया करता था। वो खिलाते जाता था, उसे बड़ी संतुष्टता मिलती थी, वो दिल से खिलाता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। और उस चट्टानी शेर को भी वो अंदाज बहुत पसंद आ गया था, जैसे कि वो चैतन्य होता जा रहा था। और एक दिन वो उसके पास बैठा हुआ था, उस चट्टानी शेर से आवाज़ आई कि तुम मुझे कितने दिल से खिलाते हो, तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम चाहो तो मेरे पास में बहुत कुछ है। तुम धनवान यदि बनना चाहते हो तो कल सुबह सूर्य उदय के पहले यहाँ पे आ जाना, तुम्हें मैं धनवान बना दूंगा। जैसे ही उस लकड़हारे ने इस आवाज़ को सुना तो थोड़ा आश्चर्य में पड़ा, पर घर गया, अपनी वाइफ से शेयर किया। वाइफ ने कहा, जो भी होगा देख लेते हैं, गरीब तो हैं, चले जाओ। वो कल सुबह सूर्य उदय के पहले वहाँ पहुँचा। वो शेर, उस चट्टानी शेर से आवाज़ आई कि मेरे मुंह में हाथ डालोगे तो मेरा पेट अरे महंगे अमूल्य हीरों से भरा हुआ है, तुम जितना चाहो उतना हाथ डाल करके निकाल सकते हो। और जब ये रत्न तुम निकाल के ले जाओगे और बेचोगे तो तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा तो हो ही जाएगा और सारी चीज़ें आ जाएंगी। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हाथ अंदर डालने की कोशिश किया, पर शेर ने एक बात बता दिया कि देखो, हाथ डालना ज़रूर, लेकिन सूर्य उदय के पहले निकाल लेना, क्योंकि यदि सूर्य उदय हो जाएगा तो इस मेरा मुंह बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हाथ डाला, निकाला, निकालने के बाद हाथ बाहर आ गया तो फिर वो देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत चमकीले से स्टोन्स थे, हीरे थे, गोल्ड था। फिर उस चट्टानी शेर से आवाज़ आई कि तुमने बहुत कम निकाला है, और थोड़ा निकाल लो। उन्होंने थोड़ा हाथ डाला और थोड़ा सा और निकाला और फिर वो हाथ बाहर कर लिया। और फिर से चट्टानी शेर कहता है कि आपने तो इतना सा निकाला, और निकालो ना, क्योंकि वो लकड़हारे से बहुत प्यार करने लगा था। लकड़हारे ने कहा, इतना तो सफिशियंट है, इतने से तो मेरा पूरा जीवन चल जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसने नहीं निकाला और वो घर चला गया। और घर गया, कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छा इंसान, पैसे वाला, समृद्ध, धन दौलत से परिपूर्ण हो गया। लोगों को ये काफ़ी आँखों में ये घटना आश्चर्य करने वाली दिखाई देने लगी और पूछना प्रारंभ किया उस लकड़हारे से कि तुम्हारी गरीबी एकदम से अमीरी में कैसे बदल गई। उन्होंने ये बात बताना प्रारंभ किया कि बात ऐसी है। ये बात को पूछने के लिए वहाँ का सबसे धनाढ्य सेठ, जिसके पास बहुत सारा धन था, वो पहुँचा था। लकड़हारे से पूछा, लकड़हारे ने इस घटना को बताया कि मैं हर दिन भोजन खिलाता था और वो चट्टानी शेर मुझसे खुश हो गया और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा और मैं धन लेकर आया। वो भी वही कार्य करना शुरू कर दिया और करता रहा। फिर वही बात तक पहुँच गए
कि शेर ने बोला और फिर कहा कि मेरे मुंह में हाथ डालोगे तो तुम्हें जितना चाहो उतना तुम रत्न निकाल सकते हो। और वो उन्होंने यही कार्य किया, सूर्योदय के पहले पहुंचा, हाथ डाला, पर उसने जैसे ही एक बार हाथ डाला निकालता गया इतना निकाला कि सूर्य उदय हो गया। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ उस समय उसका हाथ अंदर का अंदर रह गया। और जब अंदर रह गया तो वो निकालने की कोशिश करता है, हाथ निकल ही नहीं पाता है। शेर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सूर्य उदय होते ही मेरा मुंह बंद हो जाता है, परंतु लालच और लोभ के बस उस सेठ का हाथ अंदर रह गया। हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें, हम अपने जीवन में कमाए ज़रूर पर लालच और लोभ के वशीभूत होकर के खुद के ही दुख का रास्ता ना खोद लें, खुद के लिए वो गड्ढा ना खोद लें जिसके अंदर हम खुद ही चले जाएं। जी हाँ, हम लालच और लोभ के वश आ करके अब जितना प्राप्त है उसको भी ना गंवा दें। अतः श्रेष्ठ कर्म करें, ईमानदार बने रहें, सामर्थ्य के अनुसार धन कमाएं, तुमच में ना जाएं, अति सर्वत्र वर्जित कमाएं पर लोभ और लालच के वश होकर के नहीं। ओम शांति।